वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नॉनवेज डिश लेके, जिसका नाम है कढ़ाई मटन। तो कढ़ाई मटन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और साथ ही में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों के तेल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी और उस तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़े से गर्म मसाले की तैयारी कर चुकी हूँ। तो गर्म मसाले में हम डालने जा रहे हैं ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पात और जायका फूल और दो इलायची और दो तीन लौंग। तो मैंने तेल गर्म हो गया और मैंने इसके अंदर डाल दिया है सारे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले आप देख रहे हो अच्छे से एकदम रोस्ट हो गए हैं। तो अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा गैस को कर दूंगी कम, ताकि मसाले को और अच्छे से रोस्ट कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली ये जैसे ही तेल के अंदर आते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी फैल जाती है। तो मैंने देखिए लंबा लंबा मैंने प्याज काट के रख दिया था पतला पतला। तो फ्रेंड मेरा मटन जो है वो है हाफ़ केजी। तो हाफ़ केजी के साथ ही मैंने उसके अंदर 250 ग्राम प्याज डाल दिए हैं। 250 ग्राम प्याज को मैंने पतला पतला काट दिया है और साथ ही मैंने तेल के अंदर इसको भी डाल दिया है। और एक बार अच्छे से मैं इसको चला देती हूँ और आँच को कर दिया है मैंने फुल, क्योंकि मैं इसके पास ही खड़ी होकर इसको चलाऊँगी। तो फ्रेंड जैसे ही प्याज गोल्डन ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं फिर से एक बार इसके साथ अच्छे से भून देती हूँ। तो फ्रेंड प्याज जैसे ही ब्राउन हो गया, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी मैं एक बार अच्छे से चला देती हूँ। तो आप देख रहे हो तेल भी एकदम से सेपरेट होता जा रहा है और प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से मैं इसको एक बार और अच्छे से चला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो मैं मटन बना रही हूँ, ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको अच्छे से बनाना, एक बार ज़रूर कमेंट करके भी बता देना आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसके अंदर दो टमाटर, बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने उसको भी पतला पतला काट दिया है और साथ ही मैंने दो तीन हरी मिर्ची भी काट दी है। तो आपको अगर मिर्ची ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो मैंने इसके अंदर दो तीन लाल मिर्ची, हरी मिर्ची भी काट दी है और मैं इसको एक बार अच्छे से चला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से फिर से चलाती हूँ। और आँच को मैंने थोड़ा सा फूल रखा हुआ है, तो अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको ढक रही हूँ और ढकने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी। फ्रेंड्स, कढ़ाई में जो मैं मटन बना रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। आप लोगों ने बनाया होगा, आपने कुकर में बनाया होगा, लेकिन आप एक बार कढ़ाई में ज़रूर बना के देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, मैं कढ़ाई को दूंगी ढक और ढकने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। देखिए फ्रेंड, देखिए मैं इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, ये सब मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो। तो फाइनली देखिए, मैंने सब कुछ डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा डाल दी हूँ। धनिया पाउडर ज़्यादा डालने से इसकी अच्छे से थिकनेस आती है और बहुत ही टेस्ट भी लाजवाब हो जाता है। तो जनाब, अब देखिए मैं इसको अच्छे से दूंगी चलाने के बाद। देखिए अब मुझे देखिए आप, मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले भी एकदम से मटन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इससे पहले कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी, मीट मसाला है, मीट मसाला डालने से इसका जायका और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड देखिए, वैसे तो मैंने खड़े मसाले डाले थे, पर मीट मसाला डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फाइनली इसके अंदर मीट मसाला तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर का भी मसाला डाल सकते हो। घर के मसाले में भी बहुत अच्छी रंगत आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड देखिए, अब मैंने इसके थोड़ी सी आँच को रख दी थी मीडियम और मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा चला रही हूँ, ताकि एक बार अच्छे से मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से लग जाए। तो फ्रेंड देखिए, आपको देखने में ही अंदाज हो रहा होगा कि कितना बढ़िया बन रहा है। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। तो पानी को अगर आप गर्म करके डालिएगा तो फ्रेंड थोड़ा सा ही डालना है, अगर गर्म करके डालिएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप ठंडा भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था और देखिए फाइनली थोड़ा सा इसका एकदम से तेल छूटना शुरू हो गया और अच्छे से चला दिया। और अब मेरे को जितना ग्रेवी रखनी है मैं उसके हिसाब से पानी डालूंगी। तो ग्रेवी के लिए मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सूखेगा भी
तो देखिए फ्रेंड, पानी डालने के बाद अब मैं इसको दूंगी ढक, और ढकने के बाद कम से कम इसको मेरे को 20 मिनट मैं इसको अच्छे से फुल आँच के अंदर पका लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, पकाने के बाद ही आपको दिखाया कितना बढ़िया रंगत आ गया है। और अब मैंने गैस को भी बंद कर दिया है और मैं धनिया पत्ती को भी थोड़ा सा काट के ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी। तो फाइनली इसका देखिए फ्रेंड्स कितना ही बढ़िया कलर आया है और कितना टेस्ट, तो खैर आपको मैं बता नहीं सकती, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि टेस्ट भी कितना बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।